हरे कृष्ण। हम उन श्लोकों की श्रृंखलाओं पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर भगवान सप्तम अध्याय में बताते हैं कि एक व्यक्ति देवताओं की उपासना की तरफ कैसे आकर्षित होता है। कल हमने देखा, भगवान ने बताया कि ओनली समवन हुज मटीरियली मोटिवेटेड एंड हुज नॉलेज इज पोल्यूटेड, कॉन्शियसनेस इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ लस्ट एंड ग्रीड, काम और भोग की इच्छा से जिसकी चेतना अविरुद्ध हो गई है, वही देवताओं के पास जाता है। तो देवताओं की उपासना कैसे करता है वो, इसके बारे में भगवान हमें आज बताते हैं। द 21st वर्स ऑफ द 7th चैप्टर ऑफ गीता एंटाइटल्ड नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। आई एम इन एवरीवन्स हार्ट एज द सुपर सोल। एज सून एज वन डिजायर्स टू वर्शिप सम डेमिगॉड, आई मेक हिज फेथ स्टडी सो दैट ही कैन डिवोट हिमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर डीएटी। भगवान कहते हैं कि अगर कोई केवल भौतिक इच्छाएं चाहता है, उसमें सेवा का रंच मात्र भी नहीं है, कृष्णा सेज दैट इज ऑल्सो फाइन, एब्सोल्यूटली नो वरीज, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। सबसे पहली समझने की बात यह है कि सेवा अगर मेवा की इच्छा के साथ में की जा रही है तो वो सेवा नहीं रहती, वो व्यापार हो जाता है। तो जहां पर सेवा है और उसके साथ में मुझे अपना भी चाहिए, सो इट इज लाइक गोइंग टू अ शॉप एंड गिविंग 100 rupees एंड टेकिंग 2 kgs ऑफ राइस, एज गुड एज इट। सो जो दुकानदार है उसको भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको 100 rupees से लेना देना है, और आपको भी दुकानदार से कुछ लेना देना नहीं है, आपको चावल से लेना देना है। डेमिगॉड्स ऑपरेट एग्जैक्टली लाइक दिस। कल भी हमने यही देखा था कि कृष्णा विल गिव अस व्हाट वी नीड, नॉट व्हाट वी वांट। यस, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपनी कठिनाई बताते हैं तो डॉक्टर जो बोलता है वो दवाई लेते हैं। आप डॉक्टर को ये नहीं बोलते, डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दवाई लिख के दो। फिर डॉक्टर क्यों चाहिए? है कि नहीं? आप डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि आप डॉक्टर से अपना जो चाहिए वो लिखवा सके। नो, यू डू नॉट गो टू अ डॉक्टर फॉर योर वॉन्ट्स, यू गो टू डॉक्टर फॉर योर नीड, बट यू गो टू अ शॉपकीपर फॉर योर वॉन्ट्स एंड नॉट योर नीड्स। एग्जैक्टली, माइट नॉट बी ऑलवेज। डॉक्टर के पास इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ नीड, एंड डॉक्टर इज सपोज टू केयर फॉर यू, शॉपकीपर इज नॉट सपोज टू केयर फॉर यू। शॉपकीपर ने 10 rupees दे दिए, शॉपकीपर ने 10 rupees ले लिए और कैडबरी डेयर मिल्क दे दी, उसका काम खत्म हो गया। डॉक्टर के पास आप आ गए तो उसका काम शुरू हुआ, उसका काम खत्म नहीं हुआ जब तक आपको वो पूरी तरह से नर्स करके और दवाइयाँ दे करके आपको चंगा नहीं कर देता, तब तक आप डॉक्टर की देख रेख में हैं। वैसे दुकान में नहीं है, दुकान जाओ 10 rupees रखो, कैडबरी डेयरी मिल्क लो, निकल जाओ, काम खत्म। सिमिलरली डीलिंग विथ डेमिगॉड्स एंड डीलिंग विथ कृष्णा इज एग्जैक्टली लाइक दिस। हम देवताओं के पास जाते हैं, अगर कोई देवताओं के पास जा रहा है और देवताओं से अगर कोई उनकी सेवा करके वर मांग भी रहा है, शास्त्र कहते हैं, भगवान भी हमें बताते हैं वेदों में, इफ वी हैव अ पर्टिकुलर डिजायर देन वी कुड गो टू डेमिगॉड्स। अगर किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अप्रोच सूर्य, कोई यज्ञ होम हवन व्रत तप उपासना, सूर्य खुश हो जाएंगे और सेहत अच्छी हो जाएगी। इफ समबडी वॉन्ट्स अ ब्यूटिफुल वाइफ देन दे शुड वर्शिप उमा, यज्ञ व्रत होम तपस्या उपासना, उमा देवी संतुष्ट हो जाएंगी, एक सुंदर पत्नी मिल जाएगी। इफ समबडी वॉन्ट्स अ वेरी गुड हस्बैंड दे शुड वर्शिप शिवा, गर्ल शुड वर्शिप शिवा, तो शिव जी उनसे प्रसन्न होंगे। अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती, अगर विघ्नों का नाश चाहिए तो गणपति, तो इस प्रकार से लक्ष्मी, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी,
तो ऐसे हर किसी डिपार्टमेंटल हेड्स को अपना अपना कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। उस देवता को अगर हम उस हिसाब से ये करेंगे, होम हवन व्रत यज्ञ तप उपासना करके उनको प्रसन्न करेंगे, तो वो देवता आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। बट व्हेन दे प्रोवाइड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू, अगर हम देखिए, हम जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं है, हम उसकी उपासना ही क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो भगवान देखते हैं कि अरे, इस जीव की केवल भौतिक इच्छाएं हैं, उसे सेवा से कोई मतलब नहीं, उसे केवल मेवा चाहिए। तो जो भी उसकी मेवे की इच्छा है, उसके अनुसार उस देवता विशेष के प्रति एक जीव के अंदर श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं। कृष्णा सेज, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम्। मैं ही वो श्रद्धा देता हूं एक गणेश वर्षिपर के हृदय में कि गणेश वर्षिप सुप्रीम है। मैं ही वो श्रद्धा देता हूं एक शिव उपासक के हृदय में कि शिव उपासना सुप्रीम है। मैं ही वो श्रद्धा दे रहा हूं एक देवी उपासक के हृदय में कि देवी उपासना सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि उस जीव की इच्छा ही वो है। सो कृष्णा इज अ वेरी वेरी अनअज्यूमिंग व्हाट यू से डिजायर प्रोवाइडर। भगवान देखिए कितने महान हैं। ही जस्ट कम्स टू यू विद अ मेनू, ही इज एक्टिंग लाइक अ वेटर इन वन सेंस। आप अगर होटल में जाएंगे, आप जो बोलेंगे वेटर लाके देगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, आप जो चाहिए, अगर आप अपनी तरफ से नहीं पूछते, अगर आप वेटर को पूछते हो आपके होटल में सबसे बेस्ट क्या बनता है, तो वो वेटर अपना मुंह खोलेगा, वरना वो आपसे ही पूछेगा आपको क्या चाहिए। आप कुछ भी बोलो वो लाके दे देगा। वो खुद से ये कभी नहीं बोलेगा, सर हमारे होटल में ये सबसे बढ़िया बनता है, आप जब तक नहीं पूछते। उसी प्रकार भगवान भी, जब तक आप भगवान को नहीं पूछते, भगवान मेरे लिए मेरे जीवन में क्या अच्छा है, तब तक भगवान कभी ये नहीं बताएंगे। बिकॉज दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लव। लव कैन नेवर बी फोर्स्ड। अगर भगवान जीव की इच्छा के साथ में खिलवाड़ करने लगे, तो फिर वो प्रेम का द्योतक ही नहीं रहा। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लव व्हेन डिजायर्स आर बीइंग ट्रैम्पल्ड। प्रेम कहाँ है जहां पर स्वाभाविक स्वेच्छा से एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, आश्रय और विषय के बीच में आदान प्रदान होता है, उसे प्रेम कहते हैं। इट इज ऑलवेज वेरी नेचुरल, इट कैन नेवर बी फोर्स्ड। सो कृष्णा ऑल्सो डजंट बिलीव इन फोर्स्ड लव। सो अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, आप केवल भोग करना चाहते हो, कोई बात नहीं, जिस भी प्रकार से भोग करना चाहते हो, आई विल फैसिलिटेट इट। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यस, सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, अगर कोई देवता उपासक कहे, अरे मैं भी गणेश जी का भक्त हूं, तो मैं गणेश जी की ऐसी उपासना करूंगा कि गणेश जी मुझे भगवान के पास लेके जाए, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि गणेश जी भी खुद के ऊपर श्रद्धा किसी को नहीं दे सकते। गणेश जी के ऊपर श्रद्धा भी भगवान ही दे रहे हैं, कृष्ण ही दे रहे हैं। गणेश जी अगर अपने बारे में श्रद्धा किसी को नहीं दे सकते, तो भगवान के बारे में क्या देंगे? सो द कंसेप्ट और एन आइडिया कि अरे मैं इन देवता की उपासना करूंगा अच्छे से ताकि वो मुझे भगवान के पास लेके जाए, दैट इज नॉट करेक्ट। टिल सर्टन पॉइंट, यस, अगर हम बिना किसी इच्छा के किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, तो भगवान हमारे जीवन में भक्तों का स्पर्श लाएंगे। उन भक्तों के माध्यम से हमें भगवान में श्रद्धा डेवलप होगी।
दैट इज हाउ इट हैपेंस. इट नेवर हैपेंस थ्रू द एजेंसी ऑफ डेमीगॉड्स, क्योंकि वो अपने ऊपर ही श्रद्धा नहीं दे सकते. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर हम किसी देवता विशेष की सेवा में जा भी रहे हैं तो वहां पर लगने वाली श्रद्धा भी भगवान कहते हैं वो श्रद्धा मैं दे रहा हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.